मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 23 फरवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे अपना चार्ट रखो तो पता लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। देह अभिमान पीछे हटाता है और देही अभिमानी स्थिति आगे बढ़ाती है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपना चार्ट रखो तो पता लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। देह अभिमान पीछे हटाता है और देही अभिमानी स्थिति आगे बढ़ाती है। बाबा ने आज प्रश्न पूछा है कि सत्युग के आदि में आने वाली आत्मा और देरी से आने वाली आत्मा में मुख्य अंतर क्या होगा। और उत्तर में बाबा ने समझाया कि आदि में आने वाली आत्माएं सुख की चाहना रखेगी, क्योंकि सत्युग का आदि सनातन धर्म बहुत सुख देने वाला है और देरी से आने वाली आत्मा को सुख मांगना आएगा ही नहीं, वह शांति ही शांति मांगेंगे। बेहद के बाप से सुख और शांति का वर्षा हर आत्मा को प्राप्त होता है। ओम शांति। भगवानुवाच। जब भगवानुवाच कहा जाता है तो बच्चों को श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता, बुद्धि में शिव बाबा ही आता है। मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा के फॉलोअर्स हैं, नहीं, शिव बाबा के बच्चे हैं। हमेशा अपने को बच्चे समझो। और कोई को ये पता ही नहीं है कि वे बाप टीचर गुरु भी है। तुम बच्चों में भी बहुत हैं जो भूल जाते हैं, यह याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। बाबा को भूल जाते हैं फिर लौकिक देह के संबंध याद आ जाते हैं। वास्तव में तुम्हारी बुद्धि से और सब निकल जाना चाहिए, एक बाप ही याद रहे। तुम कहते हो तुमेव माता च पिता तमेव। अगर कोई दूसरा याद आता है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि सदगति में जा रहे हैं। देह अभिमान में है तो दुर्गति ही होती है, देही अभिमानी हो तो सदगति होती है। कभी नीचे कभी ऊपर चढ़ते उतरते रहते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं। देह अभिमान में तो बहुत आते हैं, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं चार्ट रखो तो पता पड़े कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। सारा मदार है याद पर, नीचे ऊपर होते ही रहते हैं। बच्चे चलते चलते थक जाते हैं फिर रड़ियां मारते हैं कि बाबा ये होता है। याद भूल जाती है और देह अभिमान में आने से ही पीछे हटते हैं, कुछ ना कुछ पाप करते हैं। याद पर सारा मदार है, याद से आयु बढ़ती है, इसलिए योग अक्षर नामी ग्रामी है। ज्ञान की तो बहुत सहज सब्जेक्ट है, बहुत हैं जिनको ज्ञान भी नहीं है तो योग भी नहीं है, इससे नुकसान बहुत होता है। बहुतों से मेहनत होती नहीं है, पढ़ाई में नंबरवार तो होते ही हैं। पढ़ाई से समझा जाता है कि ये कहाँ तक और किसकी सर्विस करते हैं। सबको शिव बाबा का परिचय देना है। तुम जानते हो बेहद का वर्षा एक ही बेहद के बाप से मिलता है। मुख्य है माता पिता और तुम बच्चे। ये हुआ ईश्वरीय कुटुंब, और कोई की भी बुद्धि में ये नहीं होगा कि हम शिव बाबा की संतान है, उनसे ही वर्षा लेना है। एक बाप को ही याद करना है, वह भी निराकार शिव बाबा। परिचय ही ऐसे दो, वह तो बेहद का बाप है, उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकेंगे। भला उनसे वर्षा कैसे पाएंगे, पावन कैसे बनेंगे, बन ही नहीं सकेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो। ये कोई भी नहीं जानते हैं, श्री कृष्ण को भी वास्तव में सब नहीं जानते। वह मोर मुकुट धारी यहाँ कैसे आएंगे। यह है बहुत ऊंचा ज्ञान, ऊंचे ज्ञान में जरूर थोड़ी डिफिकल्टी भी होगी।
सहज नाम भी है, बाप से वर्षा लेना हो तो सहज है ना। तो बच्चे डिफिकल्ट क्यों समझते हैं? क्योंकि बाप को याद नहीं कर सकते। तो बाबा ने बच्चों को दुर्गति और सदगति का राज भी समझाया है। इस समय सब दुर्गति में जा रहे हैं। मनुष्य मत दुर्गति में ले जाती है, यह है ईश्वरीय मत। इसलिए बाबा कंट्रास्ट बनवाते हैं। हर एक मनुष्य अपने से पूछे कि हम नरकवासी हैं या स्वर्गवासी हैं। अब सत्युग है कहाँ? परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं, सत्युग को भी कल्पना समझते हैं। अनेक मत हैं, अनेक मत से दुर्गति होती है, एक मत से सदगति होती है। यह तो बहुत अच्छा स्लोगन है। मनुष्य मनुष्य को दुर्गति में ले जाते हैं, एक ईश्वर सभी को सदगति देते हैं। तो तुम शुभ बोलते हो ना, बाप की महिमा करते हो। यह सर्व का बाप है, सर्व की सदगति करते हैं। बच्चों को बाप ने बहुत समझाया है, भल प्रभात फेरी निकालो, बोलो हेवनली गॉड फादर हमको ये पद प्राप्त करा रहे हैं, अब नरक का अंत आने वाला है। समझाने में मेहनत तो करनी पड़ती है। एरोप्लेन से पर्चे गिरा सकते हो, हम तो एक ही बाप की महिमा करते हैं, वो ही सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते बच्चे मैं तुमको सदगति देता हूँ, फिर तुमको दुर्गति देने वाला कौन? कहा जाता है आधा कल्प है हेवन फिर हेल। रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य, नीचे ही गिरते आते हैं। उल्टी रावण की मत से पतित पावन एक ही बाप है। हम बाप से विश्व का मालिक बन रहे हैं, इस शरीर से भी मोह निकाल देना है। अगर हंस बगुले इकट्ठे होंगे तो मोह कैसे निकलेगा? हर एक की सरकमस्टांस देखी जाती है। हिम्मत है अपना शरीर निर्वाह आप ही कर सकते हो तो फिर ज़्यादा झंझट में क्यों फंसते हो? पेट बहुत नहीं खाता है, बस दो रोटी खाओ और कोई फुरना नहीं। फिर भी अपने से प्रण कर लेना चाहिए कि बाप को ही याद करना है, जिससे सब विकर्म विनाश हो जाए। इसका मतलब यह नहीं कि धंधा नहीं करना है। धंधा नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएगा? कहाँ से आएंगे पैसे? भीख तो नहीं मांगना है, यह तो घर है, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। अगर सर्विस नहीं करते हैं तो मुफ्त में खाते हैं, गोया भीख पर चलना होता है। 21 जन्म फिर सर्विस करनी पड़ेगी। राजा से लेकर रंक तक सब यहाँ है, वहाँ भी है, परंतु वहाँ सदैव सुख है और यहाँ सदैव दुख है। पोजीशन तो होती है ना, बाप से पूरा योग रखना है, सर्विस करनी है, दिल से पूछना है कि हम यज्ञ की कितनी सेवा करते हैं। करते हैं तो कहते हैं ईश्वर के पास सब हिसाब किताब बना बनाया है, उसको साक्षी होकर देखा जाता है कि इस चलन से क्या पद पाएंगे। यह भी समझ सकते हैं कि श्रीमत पर चलने से कितना ऊंच पद पाएंगे और ना चलने से कितना कम पद हो जाता है। यह सब समझने की बातें हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में कोई भी धर्म वाला आता है तो बोलो बेहद के बाप से बेहद के सुख शांति का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप ही शांति दाता है, उनको ही कहते हैं शांति देवा। अब कोई जड़ चित्र थोड़ी शांति दे सकेगा? बाप कहते हैं तुम्हारा स्वधर्म है शांत, तुम शांति धाम में जाना चाहते हो, कहते हो शिव बाबा शांति दो, तो बाप क्यों नहीं देंगे? क्या बाप वर्षा नहीं देंगे बच्चों को? कहते हैं शिव बाबा सुख दो, वह तो हेवन स्थापन करने वाला है तो सुख क्यों नहीं देंगे? उनको याद ही नहीं करेंगे, उनसे मांगेंगे ही नहीं तो वह देंगे भी क्या? शांति का सागर तो बाबा ही है ना, तुम सुख चाहते हो। बाप कहते हैं शांति के बाद फिर सुख में आना है, तो पहले पहले जो आएंगे वह सुख पाएंगे। देरी से आने वालों को सुख मांगना आएगा ही नहीं, वह मुक्ति ही मांगेंगे। पहले सब मुक्ति में जाएंगे, वहां तो दुख होगा ही नहीं। तुम जानते हो कि हम
मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। इसको कयामत का समय कहा जाता है। सबका हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। जानवरों का भी हिसाब किताब होता है ना, तो कोई कोई राजाओं के पास रहते हैं, उनकी कितनी पालना होती है, रेस के घोड़ों की कितनी संभाल होती है, क्योंकि घोड़े तीखे होंगे तो कमाई अच्छी होगी। धनी ज़रूर प्यार करेंगे, यह भी ड्रामा में नूंद है। वहाँ ये होते ही नहीं, यह रेस आदि बाद में शुरू हुई है, ये सारा बना बनाया खेल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी अब तुम जान गए हो। आदि में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, हम विश्व पर राज्य करते रहेंगे। हर एक समझ सकते हैं कि हम बन सकते हैं या नहीं। हम बहुतों का कल्याण करते हैं, इसमें मेहनत करनी पड़े, जबकि बाप मिला है। दुनिया वाले तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, विनाश के लिए क्या क्या बनाते रहते हैं, ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जिससे आग लग जाए। भंबोर को आग कोई कम थोड़े ही लगेगी, बुझाने वाला कोई रहेगा ही नहीं। ढेर बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, उसमें गैस पॉइजन आदि डालते हैं जो हवा चलने से ही सब खत्म हो जाएंगे। मौत तो सामने खड़ा है, इसलिए बाप कहते हैं वर्षा लेना हो तो लो, मेहनत करो, टू मच धंधे आदि में मत जाओ। कितना चिंतन रखना पड़ता है। बाबा ने तो इनको तो छुड़ा दिया, अब यह छीछी दुनिया है। तुम बच्चों को बाप को याद करना है, जो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं और बाप से वर्षा ले लेवें। बहुत प्यार से याद करना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखने से ही दिल खुश हो जाता है, यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है। भल पूजा करते थे, परंतु ये मालूम थोड़े ही था कि हम ये बन सकते हैं। कल पुजारी थे, आज पूज्य बन रहे हैं। बाबा आया तो पूजा छोड़ दी। बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया ना, हम विश्व के मालिक बनते हैं। यह तो सब खत्म होना है, फिर हम क्यों ना बाप को याद करें। अंदर में एक की ही महिमा गाते रहते हैं कि बाबा आप कितने मीठे हो। तुम जानते हो, हम सब आत्माओं का बाप वह एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है। हम भक्ति मार्ग में उनको याद करते थे, वह परम धाम में रहने वाला है, इसलिए तो उनका चित्र भी है। अगर आया ना हो तो चित्र क्यों होता। शिव जयंती भी मनाते हैं, उनको कहा ही जाता है परमपिता परमात्मा। बाकी तो सबको मनुष्य या देवता कहा जाता है। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पीछे और धर्म हुए हैं, तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत रड़ियां मारते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते, जो आया महिमा करते रहते हैं। अनेक स्तुतियां हैं, बाप की स्तुति क्या करेंगे। तुम ही कृष्ण हो, तुम ही व्यास हो, तुम ही फलाना हो, ये तो गलानी हुई। बाप का कितना उपकार करते हैं। बाप कहते ड्रामा अनुसार ये सब मेरा अपकार करते हैं, फिर भी मैं आकर सर्व का उपकार, सर्व की सदगति करता हूँ। मैं आया हूँ नई दुनिया स्थापन करने, यही हार जीत का खेल है। 5000 वर्ष का बना बनाया ड्रामा है, इसमें ज़रा भी फर्क नहीं हो सकता। यह ड्रामा का राज बाप बिगर कोई समझा न सके। मनुष्य मत तो अनेक निकलती रहती हैं, देवता मत तो मिलती ही नहीं, बाकी है मनुष्य मत। हरेक अपना अकल निकालते रहते हैं। अब तुमको और कोई को भी याद नहीं करना है। आत्मा सिर्फ अपने बाप को याद करती रहे, मेहनत करनी है। जैसे भक्त भी मेहनत करते हैं ना, बहुत श्रद्धा से भक्ति करते हैं, जैसे वह भक्ति है तुम्हारी, फिर है ज्ञान की मेहनत। भक्ति में कम मेहनत करते हैं क्या। गुरु लोग कहते हैं कि रोज 100 माला फेरो, फिर कोठरी में बैठ जाते हैं, माला फेरते फेरते घंटा लग जाता, बहुत करके राम राम की धुनी लगाते हैं। और यहाँ तो तुमको बाप की याद में रहना है, बहुत प्यार से याद करना है। कितना मीठे से मीठा बाबा है। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो,
और दैवी गुण धारण करो। खुद देखेंगे तब दूसरों को भी रास्ता बताएंगे, खुद करेंगे तभी तो दूसरों को रास्ता बताएंगे। तो बाप जैसा मीठा और कोई हो नहीं सकता। कल्प के बाद तुमको मीठा बाबा मिलता है, फिर पता नहीं ऐसे बाप को, मीठे बाप को क्यों भूल जाते हो। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो तुम भी जरूर स्वर्ग के मालिक बनते हो, परंतु कट उतारने के लिए बाप को याद करो। ना याद करने की ऐसी कौन सी मुसीबत आती है, कारण बताओ। क्या बाप को याद करना डिफिकल्ट है? अच्छा, मीठे मीठे लकी सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है शरीर निर्वाह अर्थ कर्म जरूर करो, लेकिन टू मच झंझटों में नहीं फंसना है। ऐसा चिंतन धंधे आदि का ना हो जो बाप की याद ही भूल जाए। और दूसरा पॉइंट है अनेक मनुष्य मतों को छोड़ एक बाप की मत पर चलना है, एक बाप की महिमा गानी है, एक बाप को ही प्यार करना है, बाकी सब से मोह निकाल देना है। बाबा ने आज वरदान दिया, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। पुराने संस्कारों के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। संस्कार ही भिन्न भिन्न रूप से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जहाँ किसी भी तरफ आकर्षण है वहाँ वैराग्य नहीं हो सकता। संस्कारों का छिपा हुआ अंश भी है तो समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है, परवश कर देता है। इसलिए नॉलेजफुल बन बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों संबंधों पदार्थों के वार से मुक्त बनो तो सेफ रहेंगे। स्लोगन है माया से निर्भय बनो और आपसी संबंधों में निर्माण बनो। माया से निर्भय बनो और आपसी संबंधों में निर्माण बनो। ओम शांति।